हाय वक्त का दौर कैसा चला, दौलत के पीछे दुनिया दीवानी हुई। माँ बहन बेटियां जिंदगी खो दिया, कहने के वास्ते अब कहानी हुई। सभ्यता और बहू की न परवाह करे, सबके दिल बाहर माँ बाप के सर का हल्का हुआ। जब सगी बेटी अपनी पराई हुई, ये गीत दहेज प्रथा पर है। एक सुझाव है, कहना है कि दौलत कितनी अच्छी है कितनी खराब है, लोगों की नीयत बदल देती है। ये एक सामाजिक गीत है। आज हमारे देश में इस बात की आम चर्चा है कि दहेज दहेज दहेज, ये दहेज दानव बनकर हम सबको खा रहा है। इसी बात पर गीत आपको सुनने को मिलेगा। तो कहना है, तर्ज बिलवरिया का लगत है। जैसा कि पहले लोग गावत रहे डेढ़ ताल में, देहात में जब फागुन का मस्त महीना लगे तो अक्सर लोग भांग पी के मस्त हो जाएं, और खास तौर से होली के दिन तो सब भांग पिए, और एक दिन पतोहिया भांग पी लिए और ले के पिचकारी दौड़ी, बाबा जी सामने से गुजरे मार दिया पिचकारी, कहें अरे 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 दुल्हनिया फगुआ हम ही से खेलबे, कहें बाबा अरे फागुन में बाबा देवर ला गए, फागुन में बाबा देवर ला गए, तो डेढ़ ताल रहा, लेकिन बीच में अक्सर बदल गया तर्ज तो लोग कहें कि बम्बैया चौताल है। कहना है कि खायु बैठे बैठे माल, अजहारियु कंगही से बाल, गाल तेलावा से खूब चिकनायु बिसरायु, जिनी सूधिया हमार युग परिवर्तन होता है। लोग तर्ज बदल दिए बिलवरिया में, जैसा कि बिलवार कहा जाता है कि दादा के सार मामा कंस तड़पौला, दादा के सार मामा कंस तड़पौला, दादा के सार मामा कंस तड़पौला। ई भाव है, लेकिन यहां पर आपको दहेज पर बात मिलेगी। कहना है कितनी अच्छी भूमिका मिली आपको, हमारा मानव समाज दानव दहेज के बस में, हमारा मानव समाज दानव दहेज के बस में,
लिए मानव के मानस मंदिर में दानव दहेज का डेरा हो रहा माता दहेज दानव रूप धारण करके घर घर में बोल रहा है, हर अमीर गरीब के दिल दिमाग पर गूंज रहा है और दानव रूपी दहेज रूपी दानव का कहना है, क्या कहता है कि ए बुद्धिहीनों, काम क्रोध मदलोभ में बसने वाले लोग, देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर किस तरह से छाया हूं। कहता है हमारा अधिकार हर मानव के दिल में, जीवन हम तोहार दार देव मुश्किल में, वो कह रहा है कि घर घर में, दिल दिल में, दिमाग दिमाग में मेरा शासन है, मेरा अधिकार सब पर है, इसलिए कि हम आप इसी कुप्रथा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहां एक बात मिली, कहना है दूसरे पद में एक बात है कि पढ़ लिख कर जब श्रीमान का बेटवा कई गाटा पहो रामा, बेटवा कई गाटा पहली से जब श्रीमान का बेटवा कई गाटा पहो रामा, बेटवा कई गाटा तब बिटिया के पिता से बोलत बा बेटवा का बाप आप फरियादी, कह रहा है कि आप रिश्ता लेकर आए हैं, आप मेरे घर में रिश्ता लेके, बेटी का बाप बैठा है और पिता का बाप मुझे पिताव देके अपने पलंग पर
हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा हमारा एमए टॉप किया है, पढ़ा है, तो कहें हम जानत है, पढ़ लिख कर जब श्रीमान का बेटवा कई जा टॉप हो रामा, बोलत बाप तवा का बाप आप फरियादी, आप फरियादी का सुनो, होगी 3 लाख में शादी, होगी 3 लाख में शादी, होगी 3 लाख में शादी, बेटवा लौलीन कीमत दिए लगाई, टीवी रंगीन टेप रिकॉर्ड सुहाई, कहाँ था टीवी रंगीन टेप रिकॉर्ड सुहाई, स्कूटर हसीन खिचड़ी के हो खवाई, कैमरा मशीन अंतिम लेब विदाई, ये सब मांग कर रहा है, कहता है और सुना अगर रिश्ता लेके आया है बिटिया का, तो इतना चीज चाहिए हमें, टीवी रंगीन टेप रिकॉर्ड स्कूटर कैमरा मशीन तमाम सब चीज जो मांगा, तो अंत में का कहा था, रहा ट्रैक्टर स्वराज, रहा ट्रैक्टर स्वराज दानव दहेज के बसने, रहा ट्रैक्टर स्वराज दानव दहेज के बसने, इतनी मांग सुनकर बिटिया का बाप का होश उड़ गया कि अरे बप्पा रे, और दद्दा उड़ दिए तीसरे पद में, लौट पड़ा बिटिया का बाप सुन के बेटवा का मोल हो रामा, सुन बेटवा का मोल, रिश्ता लेके घर है तो हुआ का, कहीं शादी ना हुई तुम कहे, बुढ़िया पूछा थे अपने पति देव से, तो कहे शादी ई बदे ना हुई, हम हई मजबूर मांग बड़ी भारी बाना, किस्मत का कसूर समय की बलिहारी बा, मिट गवा गरूर
कुछ खेती बारी बार सोचत महतारी बा कैसे रही है इलाज कैसे रही है कैसे रही है इलाज दानो दहेज के बस में बेचारी रोने लगी। बाप रोने लगे कि हाय विधाता, ये कुप्रथा ऐसी हमारे देश में हमारे समाज में फैली है कि ये दहेज रूपी दानव खा जाना चाहता है। रोने लगे दोनों पानी और बिटिया सुन रही है, बिटिया सुन रही है बाप की दशा देख के उसके बड़ा प्यार उमड़ा कि हमार बाप हमारे बदे दर्दर ठोकर खाते हैं और इतनी बड़ी मांग कि 3 लाख 4 लाख रुपया कहां से पे हैं। सोचती है और अपने तन को देखकर अपने रूप को देखकर अपनी उम्र को देखकर अपने आप से कहती है, क्या कहती है और अपने मन में एक कुप्रथा के प्रति एक घातक बात बिठा लिया। कैसे? बिटिया जब यह बात सुना, बिटिया जब यह बात सुना तब अपने को धिक्कारा हो रामा, अपने को धिक्कारा। बिटिया ने जब बात सुना तो अपने को धिक्कारा हो रामा, अपने को धिक्कारा। अरे पापी दख जवा डाहै कर जवा, कहती है पापी दहे जवा, पापी दहे जवा डाहै कर जवा, रोवे बाप हमारा कोई ना चारा, भैया हो कोई ना चारा, मोरे रामा कोई ना चारा, सपना बिरथा भा हमारा, 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 सपना बिरथा भा हमारा। हाय हाय हाय, ये बेचारी पहुंची घर में और लगी रोने आंचल में मुंह छिपा के कि धिक्कार है मेरी जिंदगी को, मेरा जन्म लेना व्यर्थ है, वो औलाद वो संतान व्यर्थ है जिसके लिए मां बाप को कष्ट उठाना पड़े। ये प्रथा, ये देश अगर दहेज चाहता है, ना हो जिसके पास इतना पैसा तो क्या बेटी ससुराल नहीं जाएगी? मन में अपनी प्रथा के प्रति एक बात बिठाती है, कहना है ना चाही सुहाग खाली रखबई मंगिया, ना चाही सुहाग खाली रखबई मंगिया, ना चाही सुहाग खाली रखबई मंगिया, फूट गईली भाग लगे न देबै दगिया, दानो गा जाग लगा लिया तन अगिया, शोकित
सब राग उजड़ गई फूल बगिया नहीं निकले आवाज नहीं निकले आवाज दानो दहेज के बस में बहादुर। अब कहना है यहां कलाकार उपदेशक की हैसियत से समाज के प्रति प्रकाश डालता है, कहता है बेटी ने आत्महत्या कर लिया कि मेरा बाप 3 लाख रुपया नहीं पाएगा, इसीलिए वो सोच के तन में आग लगा लिया और मर गई। तो यहां कवि का कहना है हाय दहेज के लिए देश में हत्या हुई हजारन, अरे डोली के स्थान पर थी मिली दहेज के कारण, जरा पहचानो भैया हो जरा पहचानो, अरे रामा जरा पहचानो भैया हो जरा पहचानो, को जानो समाज को जानो, मानव समाज को जानो। अगर मानव समाज को हम आप सब नहीं समझ सके और ये दहेज रूपी दानों को न मार सके तो जिंदगी व्यर्थ है। तो कहना है यहां नहीं जीवन बेकार मार के इसे भगाओ, अगर नहीं सुधरा तो हमारा देश बर्बाद हो जाए। इस दहेज के कारण जाने कितने बहन बेटियां अपनी जिंदगी खोती रहेंगी, इसीलिए कहना हुआ अरे मानव समाज
हमारा मानो समाज दानो दहेज के बस में।